जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। माँ के साथ भी यही होता है, पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है। वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? और कब उसकी नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा था कि माँ जच रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो? तुम क्या सोचते हो कि उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? माँ भी कभी लड़की थी दोस्त, और दुनिया की हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। क्या बात है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
जाए काजल, घायल ना कर दे मुझे। सीने की हलचल बढ़ने लगी पल पल, पागल ना कर दे मुझे। ओ, भीगा भीगा चल आंखों का ये काजल, घायल ना कर दे मुझे। साइली और निहाल, मजा आ गया यार, बहुत अच्छे। मैं बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी सुनते वक्त भी, क्योंकि जिस गाने से आपने शुरुआत की ए मेरे हमसफर, वो मेरी जिंदगी का सबसे पहला गाना था जो मैंने शूट किया। और 17 साल की थी मैं और माय फर्स्ट डे ऑफ शूट वाज दैट सॉन्ग फॉर बाजीगर, और मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो जब मैं सेट पे गई, मुझे लिपसिंक कैसे करते हैं वो भी पता नहीं था, तो शाहरुख ने बताया मुझे कि ऐसे करते हैं। एंड आई रिमेम्बर वो जो बिट था ना, ओए 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 ओए, वो मैं लिपसिंक कर ही नहीं पा रही थी मुश्किल था मेरे लिए, ओए ओए ओए, तो आई वाज लिपसिंक इट वेरी बैडली। तो उन्होंने बोला इतने मुँह मत बनाओ, सो डोंट हैव टू सिंग इट, तो ऐसे ऐसे करके गाओ। फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.